तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपने देखे लिया होगा, हम बात कर रहे हैं डीएलएड के संदर्भ में। आपको पता है कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके फाइनली पिछले कई सेमेस्टर में या कहा जाए कई वर्षों से बैक लगते हुए लगातार आपके चले जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी समस्याएं आपके बीच में उत्पन्न हुई, लोग इस चीज को लेकर कोर्ट में चले गए। तो सबसे ऊपर देख सकते हैं, जो है थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो देख सकते हैं आपके बीच में कहा जा रहा है कि यूपी डीएलएड एडमिशन लेने वाले जो है सभी लोग देख लो, ठीक है। अगर आप भाई डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं या सोच रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित होगा। फेल प्रशिक्षु ध्यान दें, जो लोग फेल हैं या किसी कारण से आपका बैक लगा है, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। नहीं मिलेगा नया, नहीं मिलेगी मार्कशीट, लग गया सेमेस्टर बैक, ये समस्याएं बहुत हैं कि आखिरकार भैया सेमेस्टर बैक क्या होता है। 3 बार फेल तो फेल, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑल सेमेस्टर्स, ठीक है। अगर आप किसी भी सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं तो बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपके बीच में जो है उस पर चर्चा करते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये चीजें हैं, थोड़ा सा इसे हम जूम करते हैं, बाकी और भी चीजें हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सबसे ऊपर आपसे कहा जा रहा है, अब मुझे लगता है कि आप बेहतर देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, कहा जा रहा है डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण के विभिन्न बैचों में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं द्वारा परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन के सापेक्ष ऐसे अभ्यर्थी जो किसी सेमेस्टर कि एक विषय में 3 बार अनुत्तीर्ण है, आपका कोई भी सेमेस्टर हो, ठीक है। अगर आप 3 बार से ज्यादा अनुत्तीर्ण हैं, ठीक है, आप 3 बार से ज्यादा फेल हो चुके हैं, तो आप सभी को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, आखिरकार हम अब क्या करें, ठीक है। कहा जा रहा है अन्य सेमेस्टर, और आप जैसे आप पहले सेमेस्टर में आपका बैक लगा है, बाकी आप तीनों सेमेस्टर बीट कर लिए हैं, या आपका दूसरे सेमेस्टर में लगा है, आप और सेमेस्टर पास हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है उत्तीर्ण कर लिया हूं, एक अंतिम अनवरत जो है अंतिम अवसर प्रदान करते हुए परीक्षा वर्ष 2021 और 22 की परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने वाले निर्देश जो है निर्देशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिए गए थे, जिसके क्रम में ऐसे प्रशिक्षुओं को जो है परीक्षा में सम्मिलित कराया गया था। कहा जा रहा है डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2021 में 3 बार अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को अंत जो है प्रदान किए गए अतिरिक्त अवसर के संबंध में माननीय जो है उच्च न्यायालय में याचिका संख्या इतना अनुभाग अनुभा मिश्रा व 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश जो है राज्य तत्समक विचाराधीन होने के कारण डीएलएड परीक्षा वर्ष 2021 व 22 में अतिरिक्त अवसर प्राप्त कर जो है परीक्षा में सम्मिलित प्रशिक्षुओं के अंक जो है पत्र प्रमाण पत्र अग्रिम आदेशों तक वितरित न किए जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या जो है कार्यालय के पत्रांक संख्या इतना देख सकते हैं 18/11/2022 समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश को निर्देश दिए गए हैं। अब आगे कहा जा रहा है माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या इतना अनुभा मिश्रा जो है वह 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय के अनुपालन में कार्यालय की पत्रांक संख्या इतना 18/11/2022 के निर्गत निर्देशों को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से जो है समाप्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2021 व 22 के अतिरिक्त अवसर जो है प्राप्त कर सम्मिलित समस्त प्रशिक्षकों को उनके अंक प्रमाण पत्र जो है वो वितरित किए जाने की बातें कही जा रही हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज ये है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई भी सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान देना है कि भैया आप किसी भी सेमेस्टर में आपका बैक ना लगे, ठीक है, आप पास हो जाइए। अब यहाँ देख सकते हैं 2 अवसर आपको मिलते हैं, लेकिन ये लोग कोर्ट चले गए थे, कोर्ट से इन्हें कोर्ट ने 1 अवसर और दिया, यानी टोटल इनके पास 3 अवसर प्राप्त हुए। अब जो तीनों अवसर में नहीं पास कर पाएंगे उनका क्या होगा, उनका पूरा सेमेस्टर पूरे सेमेस्टर ही बैक लग जाएंगे। यानी आप सेकंड सेमेस्टर में आपका बैक लगा था तो पूरा सेकंड सेमेस्टर आप परीक्षा देंगे, ठीक है, जितने सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि जिसमें आप फेल है वही आपको मिलेगा। तो बेहतर यही है, आप डीएलएड करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है।
यही कंडीशंस भाई अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं समझेंगे तो ये कंडीशन आपके साथ लागू होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यह वीडियो आप सभी देख लिए होंगे। बाकी अगर आप, मैंने बताया जिनकी मार्कशीट मिलने वाली है वो लोग इस वीडियो में होंगे, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।